हेलो फ्रेंड्स, टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम केशव है। हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। अभी हम इन कोर्सेज को ऑफलाइन मोड पे करा रहे हैं, जैसे कि बात करें मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, लेकिन अब हम इसको ऑनलाइन मोड पे लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन मोड के लिए हमने सबसे पहला कंटेंट जो उठाया है वो उठाया अकाउंटिंग कंसेप्ट प्लस टैली का फुल कोर्स। इस टैली के फुल कोर्स को हम ऑनलाइन मोड पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, आपकी क्वेरीज को कलेक्ट करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट करेंगे और आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे। इस कोर्स के अंदर ये होगा टैली का जो पूरा एडवांस टैली का जो कोर्स जो आप कहीं पर जाके सीखते हैं वो आपको यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर केवल अकाउंटिंग के कोर्सेज ही हम करवाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरा फोकस अकाउंट्स में देते हैं, ताकि बच्चों को अकाउंट्स है तो बाहर जाए किसी कंपनी में एनरोलमेंट पा सकता है। हमारे वीडियो को आपको अगर देखना है या हमारी वीडियो को में अगर हमारी क्लासेस आपको लेनी है तो हमारे इस चैनल को, जो कि मैंने बताया जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल बन रहा है, इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या बताएंगे, क्योंकि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अकाउंट्स का बेसिक पार्ट सीख करके टैली को सीख सकते हैं और किसी भी कंपनी में जाके अपनी जॉब में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अकाउंट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टैली के लिए। अगर आपको अकाउंट्स आती है तो आप टैली कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपके पास स्ट्रीम दूसरी है, साइंस है, आर्ट्स है, और आपको अकाउंटिंग आपने अभी तक नहीं सीखी है, तो हमें एक 2 या 3 दिन की क्लास लगेगी उस अकाउंटिंग को सीखने के लिए। उस अकाउंटिंग को सीख करके हम टैली के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी बात करें अकाउंट्स की, अकाउंट्स हमने कितने होते हैं, 3। जितनी भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो 3 अकाउंट पर टिके हुए हैं। पहला अकाउंट होता है पर्सनल, दूसरा अकाउंट होता है रियल, तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल, क्लियर है। ये मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अपनी जो स्टेप चलेगी, अपना जो कंटेंट रहेगा वो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। जब आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में क्लिक करेंगे तो हमारे कंटेंट, हमारे नोट्स सब आपको साइट पे मिल जाएंगे। और ये कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। बिल्कुल आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको टाइम टाइम आकर के हमारे साथ बने रहना है। कोई आपको कमेंट देना है, कोई आपको मतलब क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सबसे पहले वो सॉल्व की जाएगी, देन उसके बाद फिर आगे कंटेंट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बताया आपने, कितने अकाउंट होते हैं, 3। पहला अकाउंट होता है पर्सनल, मतलब पर्सन से बना है पर्सनल। हम सब लोग क्या हैं, पर्सन। हम चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, क्या माने जाएंगे, पर्सन। किसी के लिए जो भी हमारा नाम नहीं जानता उसके लिए हम क्या हैं, पर्सन, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो गया राम, मैंने एक नाम देखा है देखो राम, फिर दूसरा नाम देखा मैंने, कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, सोसाइटी हो, ठीक है, किसी की, वो किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट में। फिर दूसरा देखा मैंने रियल अकाउंट, रियल में क्या आती है, असेट्स। असेट्स को बोलते हैं हिंदी में संपत्ति। आपने कोई संपत्ति खरीद ली, या तो आप खुद रहोगे या उसके अंदर कोई किराए पे रखोगे उस चीज़ को, ठीक है, वह क्या हो जाती है, असेट्स, ठीक है। और जिसको हम लेके यूज़ में लेते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, असेट्स बन जाती है। तीसरा अकाउंट आ गया नॉमिनल। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, जो किसी का नाम नहीं होता, जैसे सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें कैसी हैं, किसी का नाम नहीं है लेकिन हमारे यूज़ में आती हैं। पेमेंट का फ्लो, आपने पैसा ट्रांसफ़र किया किसी को तो आपको रीज़न देना पड़ता है, ये पैसा मैंने इसको इसलिए दिया या इसने मुझे पैसा इसलिए दिया, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंट बना रखा है नॉमिनल, ठीक है। हमारे कितने अकाउंट होते हैं, 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों पे ही अकाउंटिंग के सारे सॉफ्टवेयर टिके हुए होते हैं, ठीक है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो में। अभी एक टैली की इंट्रो क्लास थी, ये इस चीज़ की क्लास थी कि हम आपको बता दें कि हमने स्टार्टअप कहाँ से करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बोर्ड पर आ रहे हैं, हम इसको ऑफलाइन पे पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना तो आप इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में आप कंफर्टेबल हैं, आप बहुत दूर रहते हैं, आप यहाँ जयपुर में नहीं आ सकते, तो आप इसको ऑनलाइन मोड पे लेकर के आप इसको पूरा सीख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वो हमारे तक आएगी, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे फिर आपको आगे के लिए बता देंगे, ठीक है, ऐसे। और आप हमारे वीडियो को आगे लेसेस देखने के लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आपका कंटेंट हमारे पास आ जाएगा और हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके सिस्टम पे आपको शो आउट हो जाएंगे। हम अपनी क्लास का टाइमिंग आपको बताएंगे, ठीक है। मैं अपनी क्लास को भी यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको टैली का स्टार्टअप और उनके सबके बारे में डिटेल्स PDF वगैरह लेके आऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स कहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।